एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चा आम और प्याज का कचुंबर, जिसको गुजराती में बोलते हैं काची केरी अरे डुंगरी नो कचुंबर। अभी जो गर्मियां बहुत चल रही है, तो ये हर रोज खाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे गुजराती में बोलते हैं, अगर गर्मी माँ बाहर जाइए तो लूख लागी जाए, और हिंदी में उसको बोलते हैं कि जैसे गर्मियों में हम बाहर जाते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, जिससे हमें पानी भी ज्यादा पीना पड़ता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चा आम और प्याज का कचुंबर। आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं कैसे बनाती हूँ। और एक बात, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, अभी मुझे सर्दी हो गई है, तो सॉरी अगर मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। तो मेरे साथ जुड़े रहे, मैं कैसे बनाती हूँ रेसिपी। ये है कच्चा आम और एक प्याज है, मैं इसको छील के आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। प्याज को और आम को अच्छे से छील लिया है, आप देख सकते हो। अब इस तरह से छील लेना है इसको, देख सकते। आम को और प्याज को इस तरह से छील लेना है। हमारा कचुंबर छील के रेडी है, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर हमें मसाला करना है। एकदम इजी रेसिपी है, लेकिन ये आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाते रहेंगे। इसमें मैंने नमक डाला, एक चमची लाल मिर्च, नमक आप स्वाद अनुसार डालिएगा, और ये जो गुड़ है मैंने इसको अच्छे से तोड़ के रखा है, देखिए इसके अंदर गुड़ आएगा क्योंकि ये गर्मी के लिए है। देखिए अब इसको क्या करना है, इस अच्छे से हिला लेना है। अब इसको इस तरह से अच्छे से हिला लेना है। हिला लेने के बाद आपको अगर कोई भी मसाला कम लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हो। देखिए इस तरह से मिक्स करके फिर ढक देना है हमें, जिससे गुड़ थोड़ा मिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छे से हमारा कचुंबर रेडी हो जाएगा। कितना सुंदर दिखता है, देखिए टेस्टी भी बहुत बनता है। आप रोटी के साथ भी खाना खा सकते हो, रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हो, और लंच में भी ले जा सकते हो। देखिए 2-3 दिन तक ये बिगड़ता नहीं, आप फ्रिज में रख देना इसको। देखिए एकदम से रेडी है हमारा कचुंबर, बना के कांच के बाउल में भर के रख देंगे इसको फ्रिज में। देखिए क्योंकि इसके अंदर आम है तो इसको स्टील के डब्बे में मत डालना, कांच में ही भरना। लग रहा ना एकदम टेस्टी। हमारे यहाँ तो सबके घर में बनता ही है, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो बना सकता है। और आज थोड़ा गला मेरा ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो आवाज अगर अच्छे से ना सुनाई दे। देखिए ये हमारा कचुंबर बिल्कुल रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।